no 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 no, no. plastic and no 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 iron, no I am no हाय दोस्तों मॉमी टॉकी के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है वेल well, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे प्रोडक्ट्स पे एंड मेरे पर्सनल वीलॉग्स पे और आज का वीडियो जो मैंने डेडिकेट किया है उसमें मैं बेसिकली आपको कम्प्लीट रिव्यू देने वाली हूँ एक बेबी बूस्टर चेयर की एंड बेबी बूस्टर सीट की कीको कंपनी का है इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी वेल मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं और अगर आप बाहर जा रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो इस तरीके के बूस्टर सीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपको अपने बेबी को फीड कराना जो कि मुझे जो कि मैं आजकल एक्सपीरियंस कर रही हूँ ऑब्वियसली सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट कौन सा है जिसकी मैं बात कर रही थी तो so, दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कीको uh, कंपनी का बूस्टर चेयर या फिर बेबी चेयर वेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चेयर की रिक्वायरमेंट तो सारे ही पेरेंट्स को रहती है फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो और आई हांच टू वन सो so, uh, कहीं पे भी डाइन करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल तो ये आसानी से आप किसी भी uh, चेयर पे जो है वो अटैच कर सकते हो तो आइए दोस्तों मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ और जल्दी से मैं आपको इसके की फ़ीचर्स के बारे में भी बताऊँगी एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया और क्यों मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट क्राई से खरीदा है तो so, दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो आप छः महीने के बच्चों से तीन साल के बच्चों तक के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो और दूसरा जो है ये आप 15 के के बेबी आई मीन अप टू 15 के का वेट जो है वो आप इस प्रोडक्ट पे यूज़ कर सकते हो ये प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही यूनिक लगा बट इसमें कलर ऑप्शंस मुझे ज़्यादा नहीं मिले फर्स्ट क्राई पे फ़टाफट मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक पैडिंग सिस्टम दी हुई है जो कि रेस्ट एरिया है इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत कन्वीनियंट है बट अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसको हटा करके भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है वो ट्रे दी हुई है तो खाना खिलाना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रे यूज़ करके अगेन एक जो ट्रे है आप आसानी से रिमूव कर सकते हो अगर आप रिमूव करना चाहो तो यहाँ पर बटन्स है इसको आप स्विच करके मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से स्विच करके इसको निकाल सकते हो बट अगर आप इसको नहीं निकालना चाहे तो आप यहाँ पे अच्छा हाँ नॉट टू फिगेट यहाँ पे ट्रे एडजस्ट करने के लिए इन्होंने थ्री डिफरेंट लेवल्स जो है वो दी हुई हैं तो आप अपने बेबी की के कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे थ्री लेवल्स में से कोई भी लेवल जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो ये था ट्रे एंड इसके लेवल्स के बारे में दोस्तों अब मैं आपको इसके हाइट के बारे में बता देती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई हाइट नहीं रखा हुआ है बट आप इसको दो लेवल की हाइट तक जो है वो एडजस्ट कर सकते हो तो फटाफट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक बटन है जिसको यूज़ करके कुछ इस तरीके से पुल करके आप इसको ओपन कर सकते हो लेवल वन एंड लेवल टू अभी मैंने इसको लेवल टू पे रखा हुआ है सॉरी थोड़ा सा हार्ड था बट इट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि बच्चों की सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो अगर ये हार्ड नहीं रहेगा तो ऑबली सेफ़्टी वाइज तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा बट एनी दोस्तों यहाँ पर आपको uh, जो है वो स्ट्रैप्स एक न ट्रेन निकाल करके दिखा देती हूँ आपको तो यहाँ पर आपको uh, जो है वो बच्चों के बांधने के लिए स्ट्रैप्स दी हुई हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़्टी एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोडक्ट है वो टेस्टेड है अप्रूवड है तो आप आप इन बच्चों के सेफ्टी के लिए तो सेफ्टी वाइज़ मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड आप आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेफ़्टी बेल्ट दी हुई है आप बेबी को यहाँ पर टाई करके जो है वो बिठा सकते हो उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को कैरी करना चाहते हो रेस्टोरेंट में या बाहर जाने में तो इसको कैरी करना भी बहुत आसान है मैं आपको दिखा देती हूँ आप इस प्रोडक्ट को कैसे कैरी कर सकते हो कैरी करने के लिए यहाँ पे जो है वो एक स्विच है जिसको प्रेस करके आपको यहाँ से पुल करना है थोड़ा सा हार्ड है फिर से सॉरी <laughs> oh, तो ये पुल करके जो है वो मैंने इसको ऐसे डाल दिया है अब ये जो आपका प्रोडक्ट है वो रेडी है टू कैरी तो इसको आप इज़ली एज अ कैरियर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जो है वो इन्होंने स्ट्रैप्स दी हुई है। नाउ दिस वे यू कैन गो एनी वे यू वॉन्ट टू तो दोस्तों ये था इस प्रोडक्ट के बारे में वेल uh, well, uh, मुझे ये प्रोडक्ट क्यों पसंद आया क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ है इसको वॉश करना बहुत आसान है अब बच्चों को जब आप फीड करा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप आसानी से उसको वॉश कर सकते हो तो डेफ़िनेटली विल गो फॉर इट प्लस मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि सेफ्टी वाइज ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है आप आँख बंद करके इस प्रोडक्ट को जो है वो खरीद सकते हो एंड आई बिलीव दिस इज़ द गुड ऑप्शन फॉर ऑल द पेरेंट्स तो एक मिनट मैं इसको लगा दूँ वापस सो so, दोस्तों ये था आज का वीडियो आ, इस प्रोडक्ट के बारे में आई होप कि आपको भी ये प्रोडक्ट जो है वो पसंद आया बट वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ कि आयांश इस प्रोडक्ट को कैसे इन्जॉय करता है तो आइए देखते हैं सो so, दोस्तों ये है मेरा सन आयांश जो कि अभी सिक्स मंथ्स का हो गया है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे यूज़ करती हूँ आयाांश कैसे यूज़ करता है और इन्जॉय करता है अपना फीडिंग टाइम तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं आज और जो, और जो, तो यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट के आगे आयज को बिठा दिए है एंड ये जो सेफ सेफ्टी बेल्ट है ये तो मस्ट है तो सबसे पहले मैं ये सेफ्टी बेल्ट लगा लेती हूँ आयज ऐसा मत करो बेटू नो सॉरी <coughs> ये सेफ्टी बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो सेफ्टी बेल्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बाद जो है वो हम ट्रे यहाँ पे लगा देंगे बेटू थोड़ा सा हाथ साइड करो यहाँ पे भी ट्रे भी जो है वो आप यहाँ पे लेवल्स दी हुई हैं तो आप अपनी बेबी के कंफर्ट के हिसाब से जो है वो लगा सकते हो तो so दोस्तों ऐसे हम यूज करते हैं इस फीडिंग चेयर को आई होप कि आपको ये चेयर जो है वो पसंद आया कमिंग वीडियोस में क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आयांश अब अच्छा सिक्स मंथ्स का हो गया तो मैंने उसकी सॉलिड फूड जो है वो शुरू कर चुके हैं तो कमिंग वीडियोस में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने इसके लिए कौन से सॉलिड फूड जो है वो शुरू किए हैं और स्टार्टिंग uh, में क्या खिलाया और अब क्या खिलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लस बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वो अपकमिंग वीडियो जो है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो सर दोस्तों ये था आज का वीडियो बेबी बूस्टर सीट का कम्प्लीट जो भी मैं आपको बता पाई वेल आई रियली 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 होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया एंड अगर पसंद आया तो वीडियो को बहुत बड़ा थम्स अप दीजिएगा मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी फ्यूचर में बहुत प्यारे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए तो इसी के साथ मैं बता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय